भाई बाबा साहब की 24 अप्रैल 1948 की। जब मैं जंतर मंतर से आकर के देख रहा था यहाँ से वहां तक, तो मैंने देखने का काम किया कि इस देश के अंदर में रहने वाले 85% लोग, इस देश के अंदर में जिस 85% लोग यहाँ से वहां तक पंडाल लगाए हुए बैठे अपनी मांग पूरी कराने के लिए। जो बात बाबा साहब ने 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ में कहने का काम किया, वो बात आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे देश के SC ST लोगों, SC ST OBC के लोगों, जिस दिन आप एक हो गए, बाबा साहब ने वहां कहने का काम किया था, है SC ST OBC के लोगों, जिस दिन आप एक हो गए, उस दिन इस देश के अंदर में गोविंद पंत जैसे लोग आपके जूतों के फीते की खोलने में आपका गौरव महसूस करेंगे, अपना गौरव महसूस करेंगे। लेकिन हम इस देश के 85% लोग अपने बाबा साहब की कई बात को भूल गए, और बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। लेकिन अमर कैसे रहेंगे जो बाबा साहब ने इशारा किया था, बाबा साहब पार्लियामेंट तुम्हारा है, अब उस पार्लियामेंट के अंदर जो कब्जा कर लो। लेकिन अब मेरे देश के तमाम साथियों जो दिल्ली से इस कोने कोने से पहुंचने का काम किए हैं, साथियों हम अपनी बात बाबा साहब की भूल गए। जो बाबा साहब ने कहने का काम किया था, क्या आप अपने हक में अपनी वोट में डालने का काम करो। मैंने कांसीराम साहब में हमें समझाने का काम किया, और आज बहन कुमारी मायती जी हमारे बीच में मैदान में है, जो पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर में उच्च सदन की सीट से उस कुर्सी को बात पार करके जब सहारनपुर कांड की बात को सभापति ने वहां रोकने का काम किया बहन कुमारी मायती को, वहां कुर्सी में लात मारकर आपके हित की खातिर मैदान में मैं बेहद सत्ता के बीच में जाऊंगी, जनता के बीच जाऊंगी, तो जनता को बताने का काम करूंगी। उस हाउस में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं, क्या मेरे मैं अपने समाज की बात नहीं कह सकती। ऐसे मेरे साथियों इस देश के अंदर में ऐसे पूंजीवादी साथियों शासकों को आपको जोरदार टक्कर देने का काम करना होगा।